वेलकम बैक बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, संध्या वाला अरुति रूरल हेल्थ सेंटर में एक्सरे मशीन 6 माह से खराब, अमला भी गायब। एक्सरे करवाने के लिए आने वाले मरीज जलीलो खुआर होने लगे हैं। लड़ाई झगड़े रोड एक्सीडेंट में मुतासर मरीज सरकारी मशीन खराब होने की वजह से प्राइवेट एक्सरे करवाने पर मजबूर है। अरुति मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सारा दिन जलीलो खुआर होता रहा, सरकारी दवाई ना दी गई और ना ही किसी ने मुझे चेक किया। अस्पताल में ना तो सरकारी अद्वियात दी जा रही है ना ही अमला है। आला हुकाम इस बारे में नोटिस ले। सरगोधा की तहसील साहिवाल में शजकारी मुहिम का बकायदा आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेहर मोहम्मद उस्मान की ये रिपोर्ट। तहसील साहिवाल THQ हॉस्पिटल में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साबिर हुसैन शाह और MS डॉक्टर आबिद ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया और रॉयल न्यूज से बात। सर, शजरकारी मुहिम के हवाले से आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि माहौलियाती आलूदगी के जो मसाइल हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हुकूमत का जो विजन है इस हवाले से इस मसले पर काबू पाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए ट्री प्लांटेशन के गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू की है। और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट का विजन है कि इसमें 10 बिलियन जो है वो दरख्त हम उगाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से माहौल चेंजेज आ रही हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट का विजन है वो उसके लिए सरकार ये और एक बड़ा एक वीट रिपोर्ट आप जानिए। अब आपको बताएं, लोधा में डेप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नेमो रहमान ने अपने ऑफिस में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। रॉयल न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत एंटी करप्शन ऑफिस में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है और सदका जारिया भी है, इससे माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। आखिर में सैयद वसीम और हक शाह ने मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी मांगी। आगे आपको बताएं कि सरसबशदा पाकिस्तान के तहत कमिश्नर हाउस में शजरकारी मुहिम की गई, जिसमें कमिश्नर राणा गुलजार अहमद बेटों और फैमिली के दीगर अराकीन ने 300 साया और फूलदार पौधे लगाए। एडिशनल कमिश्नर असफर जियाउ, DFO मेहर मोहम्मद आसिफ, PHA सैयद एजाज हुसैन बुखारी, सना मोहम्मद मौजूद थे। कमिश्नर राणा गुलजार अहमद ने कहा कि डिवीजन का पौधों का टारगेट 10.5 लाख से 20,57,000 के बराबर है। आपको बताएं, GT रोड झेलम की खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए आज ग्रीन बेल्ट GT रोड के अतराफ में तनावर दरख्त लगा दिए गए। दरख्त लगाने के लिए DC झेलम जानसेब अवान, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस्मान सिंधु, डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर मुगल और दीगर जिले इंतजामिया ने शिरकत की और होटलों के मालकान समेत दीगर नुमाइंदागान ने भी शिरकत की और मिलकर झेलम की खूबसूरती और माहौलियात की बेहतरी के लिए कोशिशों का अदा भी किया। आगे आपको बताएं कि सूबाई वजीर एक्साइज एंड टेक्नीशियन हाफिज मुमताज अहमद ने समुंदरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस की सेकंड शिफ्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर CEO हेल्थ मुश्ताक सिप्रा, MSI अहमद अब्बास खिची और DSO मोहम्मद यूसुफ भी इस हमले में मौजूद थे। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद ने सिविल अस्पताल समुंदरी में डायलिसिस की सेकंड शिफ्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिविल अस्पताल समुंदरी में डायलिसिस की 4 मशीनों से रोजाना 4 मरीज मुस्तफीद होते थे, लेकिन अब सेकंड शिफ्ट में रोजाना 8 मरीज मुस्तफीद होंगे। अब आपको बताएं, बुरेवाला पुलिस का नंबरदार की जमीन पर वैरायटी शो पर छापा, डांस करते 3 खवातीन 3 मर्द गिरफ्तार कर लिए गए। महकमे औकात मुलाजिम दरबार बाबा हाजी शबीर का चौकीदार भी है। DSP बुरावाला हाफिज हिजर जमान की हदायत पर सब इंस्पेक्टर राय आरिफ ने चक नंबर 433 आलिम नंबरदार के रकबे में लगी वैरायटी शो में छापा मारा, जिसमें 3 खवातीन और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से मुलजिमान हुसैन रियाज से 30,000, जहूर हुसैन से 5,000 और सुनी गोहर से 2,000 रुपए बरामद कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हुसैन रियाज के बारे में बताया गया है कि मुलजिम महकमे औकाफ का मुलाजिम और दरबार हाजी शेर का चौकीदार भी है। आगे खबर शामिल करते हैं पिंडी खेप से, जहां सबसे बड़ा कदीमी कब्रिस्तान हस्ताहाली का शिकार हो चुका है। साबिका हुकूमत के दौर में कब्रिस्तान की सफाई सुथराई न होने की वजह से जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं यासिर मकसूद की ये रिपोर्ट। कदीमी कब्रिस्तान हस्ताहाली का शिकार, अरसा दराज से सफाई न होने की वजह से कब्रिस्तान जंगल की शक्ल अख्तियार कर चुका है।
अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले लोगों को कब्रें ढूंढने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गुजारूं रॉयल टीवी का कि जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई, हालांकि हमारा जो यहाँ का मुतलका महकमा है म्यूनिसिपल कमेटी वाले, उन्होंने सिर्फ जो एहलकार तैनात किए हैं वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। 6-6 फुट आप मेरे पीछे बैग में देखें, 6-6 फुट झाड़ियाँ हैं, नालों का पानी कब्रों में दाखिल हो रहा। शदीद बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में पानी खड़ा होने से कई कब्रें बारिशी पानी में बह चुकी हैं, जबकि सरकारी तौर पर तैनात मुलाजिम घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। जनाजागाह खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से लोगों को अपने प्यारों की कब्रों पर आने में शदीद दुश्वारी पेश आती है। बल्दियों के नुमाइंदों को चाहिए कि कदीमी कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के इंतजाम मौसर तरीके से करवाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, रॉयल न्यूज़, पिंडी घेर। अब आपको बताएं मुहर्रम अलहराम के जुलूस की सिक्योरिटी और इंतजाम के हवाले से इजलास चेयरमैन बल्दिया और एसडीओ हाफिज खिजर जमान की ज़ेरिस क़यादत इजलास हुआ। इजलास में तमाम महकमजात के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। आगे खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा और इस हवाले से रकम भी बरामद कर ली गई है और मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल गुलाम मुबशिर मेकन की हिदायत पर जुराम पेशा नासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिले में एसडीओ थाना सिटी साहिवाल इंस्पेक्टर फयाज हुंजरा ने खुफिया इतला पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा कार टैक्सी स्टैंड जोगी चौक के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारा। आपको बताएं इलेक्शन 2018-2019 चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। अपना ग्रुप की चौधरी आमिर सदीक साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर अपना ग्रुप की कामयाबी पर उम्मीदवार हैं। अजीज जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ भट्टी से। जी काशिफ भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल चैम्बर इलेक्शन 2018-19 की जोर तोड़ बड़े अरूज पर है। इस वक्त हमारे साथ चौधरी आमिर सदीक जो सबका सदर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ मौजूद है। आए इसे बात करते हैं कि अपना ग्रुप ने इस दफा इलेक्शन में क्या हिकमत अमल इख्तियार करेंगे। इंशाल्लाह ताला जी, जैसा आपने बताया पिछले 2 साल से अपना ग्रुप का प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल में, और हमने कोशिश की है कि अपनी ताजे बरादरी के और इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं उनके जो भी मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे, वोट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी है वो हमारी बिल्डिंग जो पिछले साल मेरठ न्यूज में हमने उसके लिए जगह खरीदी थी उसके ऊपर बिल्डिंग का काम शुरू है। एक तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि उस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाए और चैम्बर ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। दूसरा, जो लोकल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स में हमारी ताजे बरादरी के मसाइल होते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से उनको हल किया जाए ताकि उनके कारोबार को उससे फायदा पहुंचे। जी, इनका ये कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अपना ग्रुप है उसने अब जीत कर ताजे बरादरी अहम काम किए हैं। जी मजीद आपने भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है नमाज असर का, हमारे साथ रहिएगा।